सारा प्रणाम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुछ विशेषताओं के बारे में, जिन्हें आप देखते तो होंगे लेकिन कई बार आप अंडरलाइन नहीं कर पाते होंगे। जी हाँ, सबसे पहली बात ये कि प्रधानमंत्री ने 135 करोड़ लोगों को जिस तरीके से अपने साथ बांधा हुआ है, शायद ऐसा दीवानापन किसी और प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में देखने को नहीं मिला था। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ पूरी दुनिया में बढ़ा है, वो काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। क्योंकि पूरी दुनिया मानती है और हम सभी भी मानते हैं कि जिस तरीके से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों को लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारे लोगों की नौकरी भी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के मन में गहरा भरोसा और विश्वास है। उस गहरे भरोसे और विश्वास का एकमात्र कारण है कि प्रधानमंत्री ने आम जनता के प्रति जो विनम्रता का भाव रखा है, जिस तरीके से अपनी उपलब्धियों को उन्होंने भारत के नाम पर समर्पित किया है, लॉकडाउन के दौरान जब भी उन्होंने जनता को संबोधित किया, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा किया गया, मैंने ऐसा सोचा या जो मुझे सलाह मिली उसको मैंने लागू कर दिया। उन्होंने हर बार ऐसा कहा कि भारत ने ऐसा किया, भारत ने ऐसा सोचा, भारत ने सोचा कि ऐसा करना चाहिए। ये है प्रधानमंत्री की असली खासियत कि जो खुद करते हैं लेकिन करते हुए नहीं दिखते हैं। गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए, और कर्ता का भाव अपने मन के अंदर मत रखिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमेशा गीता को अपने पास रखते हैं और गीता के हिसाब से अपने कर्म क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से, जिस विनम्रता के भाव से अपनी गरीबी में बिताए, गुर्बत में बिताए दिनों को बहुत सहजता से कह डालते हैं, ऐसा मैंने बहुत कम बार देखा है कि कोई जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हो और अपने गरीबी के दिनों के बारे में इतनी सहजता से कह पाता। हालांकि चाय बेचने की बात को लेकर के उनका बड़ा मखौल बना, लेकिन उन्होंने कभी इससे परहेज नहीं किया इस बारे में, या अपने परिवार के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, गुर्बत में बिताए दिनों के बारे में उन्होंने कभी कोई सफाई पेश नहीं की। यही नहीं दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज तक तमाम मुद्दों पर कोई उनकी पिछले दिनों की कही बातों को लेकर उन्हें घेर नहीं पाया। हाँ, एक दो बार डॉलर के भाव ऊपर नीचे गिरने को लेकर के, उनके कुछ राजनीतिक स्टेटमेंट को लेकर के घेरने की कोशिश ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने अपने कंडक्ट को इतना सही तरीके से संचालित किया जब वो मुख्यमंत्री थे तब, और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तब। एक बात आपको और बता दूं कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब उनकी आलोचना इस बात को लेके हुई थी कि विदेश नीति के बारे में उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में जिस तरह से अपना डंका बजवाया है और भारतीय पासपोर्ट को जितनी इज्जत दिलाई है, दुनिया के इमिग्रेशन काउंटर पर भारतीय पासपोर्ट का वजन जितना बढ़वाया है, शायद देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और न ऐसा कर पाने की स्थिति में रहे। तो कुल मिलाकर के विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे सकारात्मक काम किया जाता है, हमें प्रधानमंत्री मोदी से जरूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के YouTube चैनल में इतना ही, फिर आगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।